हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि किसी भी फ़ोन का, रेडमी हो, रियलमी हो, सैमसंग हो या फिर कोई भी ब्रांड हो, अगर उसका बैक पैनल क्रैक कर जा रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे आप बदलें, ठीक है, ठीक करें, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी माध्यम से आप इसको हिट देना चाहें उसे हिट दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ हॉट गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो जो भी आपका सुविधा है, ठीक है, कैमरा, ठीक है, और फिंगरप्रिंट बचा के आपको हीट करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है। अगर आपके पास हॉट गन है तो आप हीट कर दो, टेम्परेचर वही 350 के आसपास रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हॉट गन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जिस भी माध्यम से आप हल्का हल्का इसको हीट कर सकते हैं, हीट करिए, बहुत ज़्यादा भी हीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हल्का हल्का हीट करना है आपको। ठीक है, हल्का हल्का आपको पहले हीट कर लेना है अच्छे से, उसके बाद आप इसको हीट को ऑफ कर दीजिए, बस एयर के प्रेशर से हल्का जो हीट है, ज़्यादा हीट ना हो, इसी से आपको हीट करते जाना है थोड़ी देर। और इतना कर लेने के बाद आपको जिस भी तरीके से चाहे आप उठाना, इसको यहाँ पतला कुछ इस तरह लगा के उठाना चाहें, ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी टाइप का भैकम वाला बना के, ठीक है, उठाने का कोशिश करें, ठीक है, हल्का हल्का किसी एंगल से, ठीक है, जिस भी एंगल से आपको लगे, हल्का सा भी निकलता हुआ लगे, अंदर कुछ लगा देना है आपको, ठीक है। अगर आपको लगे नहीं, काफ़ी अभी भी सख्त है, ठीक है, नहीं ज़्यादा, हल्का हल्का यहाँ पे आ रहा है ऊपर, लेकिन लगे कि नहीं अभी भी और ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत है, नहीं आ रहा है, तो आप इसको और हीट करें, ठीक है, एक बार में ही बहुत ज़्यादा हीट ना करें। ध्यान रहे, आराम आराम से करना, एक बार में ही बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है आपको। फिर मैं हीट बंद कर दे रहा हूँ। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड, ठीक है, थोड़ा सख्त चीज का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो भी आपको हार्ड थोड़ा सा लगता है तो उसका इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, हड़बड़ा के आपको नहीं करना है, ठीक है, जस्ट ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर गया, अब बस इसी के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे ठीक है, इतना जब आ गया, फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा हीट करते जाइए और आराम से उसको रिमूव करते जाइए, ठीक है, हीट कर देने से काफ़ी सहज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप हीट करें, ठीक है, हीट कर करके ही करें, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। नॉइज़ कम हो जिस कारण मुझे जल्दी से हॉट गन को ऑफ करना पड़ रहा है। आप हॉट गन को तब तक चलने दीजिए जब तक वो खुद से ऑफ ना हो जाए। ठीक है, देखिए, अब जब ऊपर आप यहाँ तक आप आ जाएं, ठीक है, तब आपको यहाँ से सावधानी बरतने की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि इसके
यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी केबल लगा होता है, ठीक है। तो ध्यान देना कि आपको फिंगरप्रिंट का केबल कटे नहीं, इससे शार्प होता है, इससे कट सकता है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट का हुआ वो ना कटे, ठीक है। और भी केबल होते हैं जो मदरबोर्ड तक जाते हैं, मदरबोर्ड से यहाँ के पैनल के लिए जाता है, माइक चार्जिंग पोर्ट ये सब के लिए, तो वो सब ना कटे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो आप किसी भी हार्ड कार्डबोर्ड टाइप का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पुराना जो एटीएम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉर्नर पे आप ऐसे कॉर्नर पे ही सिर्फ आपको करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हुआ, यहां से इसको आप इसको अच्छे से निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप फिंगरप्रिंट को ऐसे निकाल सकते हैं, अंदर तरफ आपको पुश करना है, ठीक है, अंदर तरफ पुश करना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे भी आप चाहे तो केबल पहले डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी आप केयर से इस तरह एकदम केयर से, बहुत पतला ये होता है फ्लेक्स केबल यानी पत्ता जिसको बोला जाता है, गलती से भी अगर वो कट जाएगा तो फिर आपको फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये निकल जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये तो खराब है, इसको आप हटा दीजिए। यहाँ ये सबको थोड़ा थोड़ा आप साफ कर सकते हैं, ठीक है, ये सबको थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो, आपको किसी भी हल्के फुल्के साफ चीज से इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे करके पूरा क्लीन कर लें आप, ठीक है। कुछ यहाँ पे है, ठीक है, कुछ यहाँ पे है, ठीक है, सभी को आप पहले क्लीन कर लें, ठीक है, अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जब आप दूसरा लगाएंगे पैनल, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से मतलब चिपकना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको यहां से इसको रिमूव करना है अच्छे से, केयर से, आप ऐसे ज्यादा फोर्स न लगाएं, एक साइड से आप फाड़ लें, ज्यादा आसान होगा आपके लिए। अब इसको आसान से यहाँ से निकाल लें, ठीक है, इसके बाद फ्लैश के पास से हटाएं फ्लैक्सिट, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है इसको इसी के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, इसी अनुसार आपको चिपका लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है एकदम यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए गौर से देखिएगा तो यहाँ पे बनाया हुआ हल्का सा, ठीक है, वहां पे जैसे होगा ये अपना सही पोजीशन पे चिपक जाएगा। उसके बाद बिल्कुल आराम से ऐसे रखना है और पूरा अच्छा से, ठीक है, चिपका देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन केयर से काम किया गया है और अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कोई कन्फ्यूजन या सुझाव हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप घर बैठे कुछ अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अपना इनकम निकालना चाहते हैं खुद से काम करके, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट करें, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी आपको वीडियोज मिल जाएंगे जिससे आप अपना बेसिक समझ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और काफ़ी हद तक चीज़ों को रिपेयर कर सकते हैं, जैसे एलईडी बल्ब, टीवी, फैन, ठीक है, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और मोबाइल फ़ोन, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है उसको खुद से आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत दोस्त जो बाहर
मतलब कि हमसे काफ़ी दूर होकर भी अपना दुकान चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन होता है तो उनसे बात करते हैं, मैं उनको कोशिश करता हूँ फ़ोन पे सॉल्यूशन बता दूँ ताकि वे वहाँ रहकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और मैं मेरा यही सोच है कि और कि मैं आप लोगों का दूर रह के भी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो आप भी ऐसा करिए, ठीक है, आप भी इस पहल में शामिल होइए। ठीक है, और आप बताइए मुझे कि आपने ऐसा किया या फिर करने की सोच रहे हैं या जो भी आपके मन में है मुझसे ज़रूर शेयर करिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।